निगरानी इकाई पटना ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वर्तमान कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, जालसाजी एवं आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में दर्ज कराया है। बताया कि यह मामला जो है आईपीसी की धारा 120 के क्लाउज बी, आईपीसी की धारा 420 जैसे कई इकाई धारा के तहत दर्ज कराया गया। बता दें कि उपरोक्त धन कुलपति ने मगध एवं वीर कुंवर सिंह के विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नाजायज ढंग से विश्वविद्यालय के उपयोग में बगैर किसी जरूरत और उपयोगिता के निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध अपने चहेते आपूर्तिकर्ता के द्वारा खरीदना दिखाया है। इस मामले में विगत 3 वर्षों में उन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। बताया कि इस संबंध में विशेष निगरानी इकाई ने माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर गया स्थित उनके निवास कार्यालय एवं गोरखपुर स्थित उनके निजी आवास पर आज सुबह धावा बोला। वहीं बताया कि सूचना आने तक तलाशी जारी थी। प्राप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त क्रय से संचिका कार्यालय में न होकर उनके निवास स्थान से जब्त किया गया, जो कि अपने आप में एक संदेह को उत्पन्न करता है। गोरखपुर मकान में तलाशी के दौरान अभी तक लगभग 1 करोड़ की अचल संपत्ति एवं 5 लाख रुपए नगद बरामद हुई है। बावजूद इसके तलाशी अभी जारी है। इस खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारे चैनल फूड की दलाल।